हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस स्टूडेंट्स। आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं सीयूटी के जनरल टेस्ट का, स्पीड और टाइम के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इजी वे में मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। सबसे पहले स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पूरा टॉपिक का नाम है, इसमें डिस्टेंस की भी बात होगी। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक आपके पास स्पीड होती है। स्पीड का मतलब है किस गति से कोई भी चीज़ चल रही है। जैसे मैं चल रहा हूँ, मेरी चलने की क्या गति है उसको स्पीड बोलेंगे, ठीक है। कोई कार चल रही है, उसके चलने की क्या गति है उसको स्पीड ऑफ द कार बोलेंगे, ठीक है। और एक फार्मूला हम सबको पता है, वो ये है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। आप साथ साथ नोट करते जाइए। तो स्पीड बेसिकली क्या होगी, स्पीड बेसिकली क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बेसिकली क्या होगी आपके पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं स्पीड की यूनिट की। ये जो स्पीड है इसके यूनिट की बात करते हैं। तो स्पीड किससे बन रहा है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करने पे, ठीक है। डिस्टेंस किस किस में होता है, मेन यूनिट डिस्टेंस है किलोमीटर में। ये स्पीड है, स्पीड का यूनिट की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस किस में मेजर करेंगे, किलोमीटर के, किलोमीटर में। और जो टाइम है वो आवर में मेजर करेंगे। तो जो स्पीड का फर्स्ट यूनिट है वो है स्पीड का यूनिट, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। जैसे कि आपने सुना होगा कि कार की स्पीड क्या थी, कार की स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये यूनिट है किलोमीटर पर आवर में। अब बड़ी बार एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, किलोमीटर को ही मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा होता है। तो पहले एक छोटी सी कन्वर्जन देख लेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपके पास 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो तो क्या होगा। देखो, किलोमीटर को आप 1000 मीटर लिख सकते हैं और 1 आवर को आप लिख सकते हैं 3600 सेकेंड्स, 3600 सेकेंड्स। कैसे, 1 आवर 60 मिनट होते हैं, ठीक है, और 1 मिनट 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 16 into 60, 3600 सेकेंड्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, आई होप कि आपको ये पता भी होगा, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, 2 0 2 0 कट गए, ठीक है, ये आपके पास 2 0 और 2 0 कट गए, आया 10 upon 36, और 5 2 5 10 और 2 18 36। तो 5/18 मीटर पर सेकेंड होगा क्या, 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू ये होगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। जिसको भी मैं बॉक्स में रख रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लाया हूँ, जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, उनमें ये चीज़ें काफ़ी बार पूछी गई हैं। तो 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 5/18 मीटर पर सेकेंड। आप उल्टा भी इसको पढ़ सकते हो। उल्टा कैसे पढ़ोगे, कि अगर 1 मीटर पर सेकेंड निकालना हो तो आप याद रख सकते हो, ये इस साइड जाकर ऐसे बुक ला जाएगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, मैं इनको हैश में रख रहा हूँ। आई होप आप समझोगे, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। तो 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप बन जाएगा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ये याद कर लो, 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो दूसरा अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, तो वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कभी कभी क्वेश्चन सीधा ऐसा आ जाता है, कन्वर्ट जैसे कुछ भी आ गया, 54 किलोमीटर पर आवर टू
मीटर पर सेकेंड, कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर आवर 2 मीटर पर सेकेंड। तो अभी आपने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो 1 किलोमीटर पर आवर है वो बेसिकली क्या है, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स अब 1 की प्लेस में क्या डालना है, 54, तो 54 किलोमीटर पर आवर क्या होगा, 54 किलोमीटर पर आवर क्या होगा, 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, कलर चेंज कर देता हूं, सिक्स नाइन जा 54, ठीक है, सिक्स थ्री जा 18, थ्री वन जा 3 जा, तो 5 × 3 15 मीटर पर सेकेंड। तो अगर किसी की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है तो मीटर में उसकी स्पीड कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड। ये कन्वर्जेंस आपको आनी चाहिए, ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट उल्टा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 20 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करके बताओ किलोमीटर पर आवर में, 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके बताओ, बताइए कमेंट सेक्शन में आंसर। वीडियो पॉज कर लीजिए। अब कैसे करेंगे, 1 मीटर पर सेकेंड का मीनिंग है 18/5 किलोमीटर पर आवर, 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो 20 मीटर पर सेकेंड का मीनिंग क्या है, 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 20 × 18/5 किलोमीटर पर आवर, 5 1 जा 5 4 जा, ठीक है, तो ये आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई भी चीज है जिसकी स्पीड मीटर में 20 मीटर पर सेकेंड है तो किलोमीटर में उसकी स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो कभी कभी तो ये सिंपल सिंपल कन्वर्शन ही पूछी जा सकती है, ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोशिश करूंगा आपका जनरल टेस्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की, थोड़ा सा ग्रेजुएशन के लेक्चर्स में बिजी था जिस वजह से नहीं कर पाया, तो मैं कोशिश करूंगा सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड करने की, ठीक है, बस आप पेशेंस के साथ देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, क्वेश्चन देखते हैं। ए कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर, कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन 50 मिनट, इन 50 मिनट, वट इज इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में क्या स्पीड है इसकी, ठीक है, ऑप्शन आपको दिए हैं 15, 20, 25 and 30। तो 15 मीटर पर सेकंड थी, 20 मीटर पर सेकंड थी, 25 मीटर पर सेकंड थी या 30 मीटर पर सेकंड थी। अगर एक गाड़ी एक डिस्टेंस जो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसको 50 मिनट में पूरा कर रही थी तो उसकी मीटर पर सेकंड में कितनी स्पीड थी, ये आपको पूछा गया है। तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है, कैसे करेंगे देखो, पहले आप खुद से ट्राई करिए, अगर नहीं होता तो फिर आप वीडियो पे देख लीजिए, ठीक है, तो अगर हो रहा है तो अच्छी बात है। सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले इस मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर किलोमीटर पर आवर निकाल लेंगे, फिर उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ये सिंपल वे में भी हो जाता है। कैसे, अब क्वेश्चन में बोला है 90 किलोमीटर, ठीक है, 90 किलोमीटर और मिनट कितने दिए हैं, 50 मिनट, आपको निकालना है मीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर को मीटर बना दो, 90 × 1000, अभी मीटर बन गया, अभी किलोमीटर रहा, अभी रहा मीटर, और मिनट को सेकंड बना दो, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स, अभी कितना आ जाएगा, 90 आगे 30 मीटर, और ये कितना आएगा, 5 6 30 और आगे 20, ये सेकंड,
ये दो जीरो, ये दो जीरो कटोगे, ठीक है, ये दो जीरो, ये दो जीरो और ये दो जीरो कटोगे, फिर एक जीरो और एक जीरो भी कटोगे, तो थ्री वन जा थ्री, थर्टी जा, तो 30 मीटर और तो सेकंड एक रहा, तो 30 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होगी किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। आपको 90 किलोमीटर 50 मिनट्स में दिया था और आपको बोलता था मीटर पर सेकंड में आंसर निकालो, तो मीटर पर सेकंड में आपके सामने मैंने आंसर कैलकुलेट कर दिया। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स, द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स, द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स इज 2:7। दो ट्रेनों की स्पीड की रेशियो कितनी है, 2:7। इफ द फर्स्ट ट्रेन रन्स 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स, इफ फर्स्ट ट्रेन रन्स 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स, 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स, then sum of speed of two trains, then sum of speed of two trains, तो ऑप्शन दिए हैं आपको 125, 225, 150 और ये सब किलोमीटर पर आवर में पूछे हैं। किसमें पूछे हैं, किलोमीटर पर आवर। तो बताना आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, ठीक है। दो ट्रेन्स हैं, उनकी स्पीड की रेशियो दी है 2:7, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास फर्स्ट ट्रेन है ए और ये मेरे पास सेकंड ट्रेन है बी, और इनकी स्पीड की रेशियो है 2:7। ये किसकी रेशियो है, इनकी स्पीड की, ठीक है। फिर बोल रहे फर्स्ट ट्रेन रन्स 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स, तो जो पहली ट्रेन है, जो फर्स्ट ट्रेन है ट्रेन ए, वो डिस्टेंस उसका 250 किलोमीटर दिया है और टाइम कितना दिया है 5 आवर्स, टाइम कितना दिया है 5 आवर्स फर्स्ट ट्रेन का। तो स्टूडेंट्स अगर डिस्टेंस और टाइम दिया है तो आप इसकी स्पीड निकाल सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू, सॉरी उल्टा बोल दिया, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड किसके बराबर होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 250 अपॉन 5 कितना आएगा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी ट्रेन 1 की। तो ट्रेन 1 की स्पीड निकलगी 50 किलोमीटर पर आवर, मैं इधर लिख रहा हूँ, ये जो ट्रेन 1 है, ये जो ट्रेन ए है, इसकी स्पीड 2 दी है क्वेश्चन में, मगर वो है एक्चुअल कितनी 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 50 बन जाए, ये हमने रेशियो प्रोपोर्शन में भी की है, 2 को आप अगर 25 से मल्टीप्लाई करो तो ये 50 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 2 को 25 से मल्टीप्लाई करने पे एक्चुअल स्पीड आई, तो अगर इस ट्रेन की एक्चुअल स्पीड चाहिए तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 से, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 से। क्यों, क्योंकि आपको पता है जब भी रेशो वाले क्वेश्चन आए तो जो रेशो होती है उनमें सेम मल्टीपल कट की रेशो बनती है, तो 25 से इसको मल्टीप्लाई किया तभी 50 आ रहा है, मेरे को 50 क्यों लाना है, उसकी एक्चुअल स्पीड 50 है, तो मेरे को 7 को भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो 7 5 या 35, 5 3 ऊपर, तो 175 आ गया, 175 किलोमीटर पर आवर हो गई ट्रेन बी की स्पीड। मगर क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है, सम ऑफ स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स, तो पहले की स्पीड 50, दूसरे की 175, तो इनको सम कर लो, 175 और 50 का सम किया तो आया 225 किलोमीटर पर आवर।
तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डिस्टेंस, लिखिए आप, व्हाट डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय बस, व्हाट डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय बस मूविंग एट 108 किलोमीटर पर आवर इन सेकेंड्स। अगर आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए तो क्या बोल रहा है, आप बताओ डिस्टेंस कितना कवर करेगी कौन, बस, और बस की स्पीड आपको दी हुई है और बोल रहा है इस टाइम में बताओ बस कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो बस की स्पीड आपको कितनी दी हुई है, 108 किलोमीटर पर आवर। बस की स्पीड कितनी दी हुई है, 108 किलोमीटर पर आवर। तो देखो क्या करना है, 108 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है और आपको क्या करना है, बताना है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 40 सेकंड्स में, किसमें 40 सेकंड्स में। तो देखो 108 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 108 इंटू 1000 मीटर, और 1 आवर को मैं लिख सकता हूं 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स को मैंने क्या लिखा 3600 सेकंड्स, यह भी आपको बताया, ठीक है। 3600 के 2 जीरो और इसके 2 जीरो कट गए, तो आपके पास आया 1080 मीटर और इधर आया 36 सेकंड। 1 सेकंड की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा, 1080 को 36 से कर दो डिवाइड, तो 36 वन जा 36 थ्री जा 30, तो 1 सेकंड में 30 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, 1 सेकंड में 30 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है। क्वेश्चन वाले ने पूछा 40 सेकंड में कितना होगा, तो देयरफॉर 40 सेकंड्स में इसको 40 से किया मल्टीप्लाई, तो इसको भी किया 40 से मल्टीप्लाई, 30 × 40 तो कितना आ रहा है 1200 मीटर। तो 40 सेकंड में 1200 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो 1200 मीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 मीटर प्लस 200 मीटर, बिल्कुल। तो 1 किलोमीटर और 200 मीटर डिस्टेंस जो बस है, अगर वो इस स्पीड से चले, किस स्पीड से, 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो 40 सेकंड के अंदर, ठीक है, 1.2 किलोमीटर ट्रैवल करती है, 1.2 किलोमीटर ट्रैवल करती है, या 1 किलोमीटर 200 मीटर ट्रैवल करती है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको सिंपल वे में समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एथलीट है एंड एथलीट रन्स एंड 800 मीटर रेस इन 96 सेकेंड्स। एक एथलीट है, उसने 800 मीटर रेस 96 सेकेंड्स में दौड़ लेता है, फाइंड हिज स्पीड इन, उसकी स्पीड निकालिए किलोमीटर पर आवर में, स्पीड निकालिए किलोमीटर पर आवर में। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, 800 मीटर डिस्टेंस है और वो एथलीट 96 सेकंड्स में कर लेता है, पूरा 96 सेकंड्स में दौड़ लेता है, ठीक है। तो ये जो 800 है वो डिस्टेंस है और जो ये है ये आपके पास टाइम है, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं इसको करने की कोशिश करूँ तो 800 बाय 96 आएगा, ठीक है।
अगर मैं इसको और सॉल्व करूं, अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो ये कट जाता है ना, ठीक है, किससे कटेगा, 4 200 और 4 24, ठीक है, फिर 450 4 6, फिर 225 23। मगर जो ये यूनिट बन रहा है, ये बन रहा है मीटर पर सेकंड, ये भी जो यूनिट बन रहा है स्टूडेंट्स, ये क्या बन रहा है, मीटर पर सेकंड। आपको क्वेश्चन में बोला है क्या निकालना है, किलोमीटर पर आवर, तो अभी तो कन्वर्जन बनी, अगर ये मीटर पर सेकंड्स है तो मीटर पर सेकंड्स को वैसे रखो, किलोमीटर पर आवर के लिए इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 5 5, कलर चेंज कर लेता हूं, ये 5 1 5 5 3 1 3 6 6 5 30 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर एथलीट 800 मीटर रेस को 96 सेकंड्स में कर रहा है तो एक्चुअल में वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा होगा। तो ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको टाइप्स बता दी, ठीक है, आप ये कर सकते हो, ठीक है, कोई भी डाउट है आप मेरे से वो भी पूछ सकते हो। अब एक सिंपल कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, वो सिंपल कंसेप्ट क्या है, अगर स्टूडेंट्स ये प्लेस है ए, और इस ए प्लेस से बी प्लेस पे कोई भी पर्सन कोई भी चीज जा रही है ए प्लेस से बी प्लेस पे, और सपोज जाते टाइम जब वो जा रही है उसकी जो स्पीड है, उसकी जो स्पीड है वो है एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जब वो इधर से वापस आ रही है बी से ए पे, बी से ए पे, तब उसकी स्पीड सपोज वाई किलोमीटर पर आवर है, वाई किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और ये दोनों ए से बी जाने पे और बी से ए जाने पे उसको जो टाइम लग रहा है वो टी लग रहा है, उसको जो टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है, टी लग रहा है। तो आप ए से बी का डिस्टेंस निकाल सकते हो, तो आप ए से बी का सिंपल डिस्टेंस निकाल सकते हो, अगर ए से बी पे कोई भी गाड़ी जा रही है जिसकी स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर है, वही सेम गाड़ी बी से ए पे आने पे वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, और ए से बी जाने में बी से ए जाने में उसको टाइम कितना लगता है, टी लगता है, तो आप ए से बी का डिस्टेंस निकाल सकते हो। ए से बी के डिस्टेंस का फॉर्मूला एक्स इंटू वाई स्पीडों का मल्टीप्लाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्पीडों का प्लस इंटू टाइम टी, तो ये फॉर्मूला है आपका ए से बी आने में। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, मैं आपको ये प्रूफ भी बता सकता हूं। देखो जब पर्सन ए से बी जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब आपको पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो बेसिकली क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम, बेसिकली वो क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम। अब आपको इस क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में टाइम क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है, सॉरी मैंने फॉर्मूला गलत बोल दिया, जो डिस्टेंस होता है वो बेसिकली होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब इस क्वेश्चन में आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना लगा रही है गाड़ी, स्मॉल टी, ठीक है, स्पीड भी दी हुई है, स्पीड कितनी है एक्स, पहले केस की बात कर रहा हूं, ठीक है, ऐसा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डी बाई एक्स इज इक्वल टू टी, पहले केस में कि टाइम लग रहा है डी, डिस्टेंस जो भी होगा डी अपॉन एक्स। अच्छा अब बी से ए गाड़ी आ रही है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा इसलिए डी की जगह तो डी रखा, स्पीड बदल गई, स्पीड क्या है वाई, और टाइम भी वही रहा सेम, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी बाई वाई इज इक्वल टू टी, ठीक है। अब ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको टाइम टी लग रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं डी बाई एक्स प्लस डी बाई वाई
इज इक्वल टू टी। फिर आपने दोनों से क्या निकाला, डी कॉमन लिया तो आया 1 प्लस एक्स, 1 बाई वाई इज इक्वल टू टी। फिर उसके बाद एलसीएम लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर हो गया और नीचे क्या हो गया, ऊपर ऐसे आ गया y प्लस एक्स और नीचे क्या आ गया x इंटू वाई इज इक्वल टू टी। और जो d है वो क्या बनेगा, ये x वाई टी के साथ चला गया तो t वैसे रहा, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो मैंने भी तो यही बताया, ठीक है, हमने भी तो यही फॉर्मूला बताया, ये देखो यही फॉर्मूला बताया। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या है, ड्राइव आप छोड़ो क्या पता नहीं है, अगर ए से बी जा रहा है कोई भी चीज और वो एक्स स्पीड से जा रही है, बी से ए आ रही है वो वाई स्पीड से आ रही है और ये पूरा प्रोसेस टी टाइम पे कर रही है, तो आप उसका डिस्टेंस निकाल सकते हो, आप उसका डिस्टेंस निकाल सकते हो एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी, ठीक है, अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी। तो आई होप आपको ये चीज भी समझ आई होगी। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन लेके आए हो, तो चलिए क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ए बॉय गोज टू स्कूल, अ बॉय गोज टू स्कूल एट 3 किलोमीटर पर आवर, अ बॉय गोज टू स्कूल एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न at a speed of 2 km/h, return at a speed of 2 km/h, if he takes 5 hours in all, जब उसको पूरा प्रोसेस करने में, जाने में और आने में 4 घंटे लगते हैं मिला के टाइम अगर देखा जाए, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज टू स्कूल, फाइंड द डिस्टेंस, आप डिस्टेंस निकालिए फ्रॉम हिज विलेज टू स्कूल, उसके विलेज से स्कूल तक का क्या निकालिए, डिस्टेंस निकालिए। तो आपको इस क्वेश्चन के ऑप्शन कुछ इस टाइप के दिए हैं, ठीक है, ऑप्शन दिए हैं आपको 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स डायग्राम से समझेंगे, एक बॉय है उसको विलेज से स्कूल में जा रहे हैं, तो जाते वक्त वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और जब वो आ रहा होता है वापस तो उसकी स्पीड होती है 2 किलोमीटर पर आवर, और पूरा प्रोसेस करने में जो टाइम लगता है वो दिया 5 आवर्स, टी जो है वो कितना दिया है 5 आवर्स दिया है। तो स्टूडेंट्स आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी, एक्स कोण है 3, y कोण है 2, ये y है स्पीड हो और 3 प्लस 2 और टाइम कितना है 5, अब 3 इंटू आया 6 अपॉन 5 इंटू 5, 5 हो गया कैंसिल, तो 6 किलोमीटर आंसर आ रहा है। तो y को अपने विलेज से स्कूल तक जाने का जो डिस्टेंस है बेसिकली वो 6 किलोमीटर, वो कितना है 6 किलोमीटर है। आई होप आपको ये चीज़ भी अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के टाइप का एक और है, वो मैं अब लैंग्वेज नहीं लिखा रहा, मैं सीधे बता रहा हूँ, ठीक है, आप खुद लिख देना। कोई भी एक पर्सन है वो इस प्लेस से इस प्लेस जाने पे किस स्पीड से जा रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जब वो वापिस आ रहा है तो किस स्पीड से आ रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और उसको पूरा टाइम लग रहा है, और उसको पूरा टाइम कितना लग रहा है स्टूडेंट्स, इसको पूरा टाइम लग रहा है 5 आवर 48 मिनट, पूरा टाइम लग रहा है 5 आवर 48 मिनट। तो बताओ ए और बी का डिस्टेंस क्या होगा, ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। तो इधर एक्स कितना है 25, वाई कितना है 4, टाइम को कैलकुलेट करेंगे, टाइम कितना है 5 आवर
तो मैं लिख दिया 5 आवर 48 मिनट। अब आपको पता है मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करना हो तो मिनट छोटा यूनिट है, छोटे यूनिट को जब बड़े में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड करते हैं, छोटी चीज को मैथ में जब बड़े में कन्वर्ट करनी है तो डिवाइड करना है, मतलब छोटे यूनिट को बड़े में डालना है तो वो और छोटा हो जाएगा, तो बड़ा यूनिट है तो उसको आपने डिवाइड करना है। या आप ऐसे ही याद रख लो, तो 48/60, अब ये ओवर हो गया, अब ये आ गया 5 और 48, किससे कटेगा ये, ठीक है, ये 12 4 48, ठीक है, और 12 5 60, और जब आप इसको सॉल्व करोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो ये आ जाएगा 25/4, 29/5 किलोमीटर, सॉरी ओवर। तो जो टोटल टाइम लग रहा है वो 29/5 ओवर लग रहा है। तो डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, वो देख लो, डिस्टेंस का फॉर्मूला पड़ा एक्स इंटू वाई, तो 25 × 4 / 25 + 4 × t, टी कितना है 29/5, तो क्या हो जाएगा 25 × 4 / 29 × 29/5, 29 कट गया, ये भी कट गया, 5 1 5 5 0, तो 5 × 4 20 किलोमीटर डिस्टेंस है जो उसको ट्रैवल करना होता है। 20 किलोमीटर डिस्टेंस क्या करना होता है, ट्रैवल करना होता है। तो आई होप आपको ये टाइप अच्छे से समझ आई है, ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में जो मैंने आपको स्पीड टाइम के ऊपर कुछ टाइप्स बताई, कुछ कन्वर्जेंस बताई, ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आई होंगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, ठीक है, अभी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा स्पीड टाइम पे आएगा, और टाइप्स बताऊंगा और क्वेश्चंस बताऊंगा, तो कोशिश करूंगा ये टॉपिक आपको एक ही बार में समझ आ जाए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।